हेलो माय डियर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स राम राम वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग ट्रेनर जो पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ 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 प्लीज, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो ना अच्छी लगे तो मत करिएगा अच्छी लगे तो जरूर करिएगा नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिएगा फ्यूचर वीडियोज़ के लिए फटाफट आप स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है सो so, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को आ, सबसे पहले तो जो नया स्ट्रेन है उसके कारण काफ़ी पैनिक क्रिएटेड है अभी बहुत ज्यादा एनालिसिस उस ट्रेन पे नहीं हो पाया है अगर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आती है वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है तो इंडियन मार्केट्स भी बहुत हद तक करेक्ट कर सकते हैं एंड ये करेक्ट वर्ड को मैं क्रैश से भी जोड़ना चाहूँगा क्रैश भी पॉसिबल है उसकी भी पॉसिबिलिटी काटी नहीं जा सकती है एक फिगर जो मुझे बहुत अजीब लग रहा है वो देखिए आज फिर वैसे तो डी आई आई ने बायर छह सौ करोड़ लेकिन ये जो एफ आई आई की तरफ से आ रहे हैं फिर इस फिगर को देखने के बाद हम लोग एक बार डाउजोन्स को देख लेते हैं डाउजोन स्लाइटली पॉजिटिव जीरो ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है तो ये एक अच्छा सिग्नल हम लोगों को दे रहा है कल के हमारे ट्रेडिंग सेशन के लिए तो अब आते हैं वापस निफ्टी फिफ्टी पे पिछले वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि सोलह आठ सौ के नीचे अगर दस मिनट की एक कैंडल सस्टेन करे आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं उसमें मैंने कहा था कि सोलह आठ सौ के नीचे अगर दस मिनट सस्टेन करे एक प्रॉपर दस मिनट की कैंडल बने तब जाके आप शॉर्ट जाइए या फिर इन द मनी पुट ऑप्शन बाय करिए शॉर्ट में जाइए देखिए सोलह हजार के आसपास का लो मारा है और बिल्कुल ही मतलब आप ये जो Uh, बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं बहुत ही तगड़ा बाउंस उस लेवल से लिया इसने तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसका मतलब आज मेरे ट्रिगर्स के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ निफ्टी फिफ्टी में और मैं हमेशा कहता हूं नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड इनफैक्ट नो ट्रेड इज अ बिग ट्रेड बिकॉज आप अपने लॉसेज अवॉइड करते हो नहीं ट्रेड लेके ठीक है गलत सब होते हैं लेकिन हम लोगों को इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर हम चार डिसीजन ले रहे हैं और हमारे तीन करेक्ट हो रहे हैं और उससे हमें गेन मिल रहा है तो यही एक तरीके से ट्रेडिंग है ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड योर डिसिप्लिन चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कल की एनालिसिस 30 नवंबर ट्यूसडे है जनरली ट्यूसडे का सेशन जो होता है नॉर्मली उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखती है लेकिन क्योंकि इस समय माहौल आप देख ही रहे हो खराब है इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं आज शायद बीस के आसपास पे क्लोजिंग दी इसने ट्वेंटी पॉइंट ज्यादा है ठीक है सोलह सत्रह पंद्रह नॉर्मल लेवल चलता है विक्स का इसका मतलब ये है कि ट्यूजडे में सेशन में भी अच्छा खासा मूव नीचे ऊपर आ सकता है निफ्टी का ट्रिगर बहुत 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 क्लियर क्लियर है 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 प्यारा लेवल है। और वो है अगेन वही देना चाहूंगा ठीक है स्टिक टू दिगर्स सोलह आठ सो सोलह आठ सौ के नीचे निकलते ही दस मिनट अगर प्रॉपर एक प्रॉपर दस मिनट की कैंडल सोलह आठ सौ के नीचे पहला टारगेट तुरंत स्लाइड होके सोलह सात सौ इन नो टाइम no आपको दिखने वाला और दूसरा सोलह छ सो बीस दिस इज टी टू और एक और ट्रिगर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं देना चाहूंगा अगर सोलह छह सो भी क्रॉस करता है देखिए ये ट्रिगर है ये टारगेट नहीं है सोलह छह सौ अगर क्रॉस करता है मोमेंटम के साथ दस मिनट की एक प्रॉपर कैंडल अगर बन जाती है तो सोलह पांच सो भी आपको नो टाइम में दिखेगा दिस इज टी थ्री डाउन साइड पर मैंने तीन लेवल्स दिए लेकिन 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 आपको ट्रिगर्स दिमाग में अच्छे से फिट हो जाने चाहिए जो मैंने पर्टिकुलरली अभी बोले ये रहे डाउन साइड आर्ली चार्ट हम लोग देख ही रहे अभी कोई चार्ट वार्ट में ज्यादा कुछ रखा नहीं है क्योंकि बहुत ही बढ़िया लेवल्स मेरे अकॉर्डिंग निकल के आ रहे हैं। दूसरा लॉन्ग ट्रेड कब बनेगा निफ्टी में हम लोग पॉजिटिव कब हो सकते हैं देखिए सत्रह दो बीस के पहले सत्रह हजार तिरपन पे क्लोजिंग दी है निफ्टी फिफ्टी ने सत्रह दो सौ बीस के पहले आप लॉन्ग मत जाइए सत्रह दो बीस के ऊपर दस मिनट इसको ट्रेड करने दीजिए ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है फ्रेश लॉन्ग्स भी एक्सपेक्टेड है सत्रह तीन सौ का पहला टारगेट रहेगा और अगर सत्रह तीन सौ के भी ऊपर ये दस मिनट ट्रेड करे तो सत्रह तीन सौ सत्तर टारगेट देना चाहूंगा इससे ऊपर मैं अपसाइड पे टारगेट अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूं लेकिन ट्रिगर याद रहे ट्रिगर हो गया अपना सत्रह दो सौ बीस क्लियर है उम्मीद है कि निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस सभी लोगों को क्लियर है हाँ एक और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट किया मतलब आप ही लोगों के लिए अच्छी बात है टेलीग्राम चैनल भी है उस पर कुछ अपडेट्स में डालते रहता हूँ वीडियो अपन नहीं डाल सकते हैं सो so, उस समय पे अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन कर लो जो लोग चैनल पे नए आए हैं इस बार पहली बार सो so सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को इट विल बी एन आशीर्वाद ब्लेसिंग फ्रॉम यू ठीक है चलिए आते हैं फटाफट -फड़ बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी अगेन निफ्टी से ज्यादा नेगेटिविटी में है आज कोटक ने संभाला है तगड़ा आई थिंक कोटक आज एक बार कोटक का भी चार्ट देख आई है का 2019, में 2019 की क्लोजिंग कोटक बैंक की तो इसने मतलब संभाल लिया आज एक तरीके से मामला चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं बैंक निफ्टी स्लाइडली नेगेटिव हुआ है क्लोज और थर्टी के आ, क्रूशल लेवल से नीचे क्लोज हुआ है ठीक है लेवल्स इसमें भी ट्रिगर्स इसमें भी इंटैक्ट है आज बहुत नीचे डिप मारा ये है पैंतीस तीन सौ सत्ताइस तक ठीक है लेकिन आ, कल के ट्रेडिंग सेशन में पैनिक कहाँ आ सकता है बैंक निफ्टी में पैंतीस सात सौ पचास के नीचे इसको दस मिनट ट्रेड करने दीजिए दे फिर देखिए बैंक निफ्टी का कमाल पहले इसको रेड कर लेते हैं अपन सो ये पहले डाउन साइड का मैं ट्रिगर दे रहा हूँ इन नो टाइम आपको पैतीस पांच सौ दिख जाएगा दिस इज टीवन और इसके बाद अगर पैतीस पांच सौ भी ये तोड़े दस मिनट ट्रेड करे इसके नीचे तो 35 250 का टी दे रहा हूं इसमें दो ही टारगेट दे रहा हूं बैंक निफ्टी में लेकिन मूव्स बड़े तगड़े तगड़े ढाई सौ और ढाई पॉइंट्स के लेकिन जो कंडीशन मैंने बोली है वो सेटिस्फाई करे तभी आप उस ट्रेड में घुसिए ऑल राइट अब आते हैं यार अपसाइड का भी डिस्कशन कर लेते हैं यार अपसाइड पे 36 300 के ऊपर 26 लिख दिया मैंने 36 300 के ऊपर इसको आप 10 मिनट ट्रेड दीजिए 10 मिनट ट्रेड आप करने दीजिए इसको उसके बाद आप लॉन्ग बनाइए इसमें 36 500 का पहला टारगेट रखिए 200 सौ का मूव और फिर अगर 36 500 भी ये तोड़े तब तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा कवरिंग आ सकता है छत्तीस सात देना चाहूंगा टी ठीक है लेकिन सेटिस्फाई हो है ना ये हो गया अपना ट्रिगर चलिए बढ़िया दैट ग्रेट सो ये लेवल्स हो गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगेन यही कहना चाहूंगा मार्केट में पैनिक है ठीक है वर्ल्ड मार्केट्स में कोई भी तगड़ी न्यूज आ सकती है न्यूज फ्लो आ सकता है मार्केट वजह ढूंढ रहा है मुझे लग रहा है नीचे जाने की है ना दो चार चीजें अगर नेगेटिविटी हो गई तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे स्लाइड हो सकता है बट हम लोगों को ट्रिगर टू ट्रिगर ही ट्रेड करना है और प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना है और ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड ऑल द बेस्ट फिर मिलेंगे कल के मार्केट्स के बाद एनालिसिस वीडियो में तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिएगा चलिए बढ़िया बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट